गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रतिभा ठाकुर इज हियर। दिस इज योर साइंस क्लास एंड द सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन ब्रेन टुडे। ओके, देयर टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आल्सो। ओके, सो लेट्स एंजॉय द क्लास एंड नोट आउट everything in your notebooks. Let's start the human brain. Everybody knew very well about the human brain. Human brain is our central part of the nervous system. It is the central part of nervous system divided into three parts. Okay, hamara central part hai nervous system ka. Brain nahi hota to kuch nahi hoga, koi kaam nahi hoga, hamari body ko kuch pata nahi lagega, kaun humse baat kar raha hai, कौन हमसे हमें छू रहा है ना, देयर इज नथिंग। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, मिड ब्रेन सेंटर पार्ट है और हिंड ब्रेन जो हमारे पीछे वाला पार्ट ब्रेन का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन बेटा, अब फोर ब्रेन के साथ साथ आपको क्या करना है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर और आइडेंटिफाई करूँगी जिसको आपको देखते जाना है और आप उसको समझते जाएंगे। ओके, तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर देती हूँ, है ना। जैसे आप फोर ब्रेन, हिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सबको आप समझ जाएंगे, है ना। देखिए, सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। यू मस्ट बी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। आई विल सेंड यू द पिक्स ऑफ दिस ब्रेन। ओके, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन नोन एज कैरिब्रम। दिस स्ट्रक्चर, द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज डायनेसिफेलॉन। ओके, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ओके, नोन एज हाइपोथैलेमस। ओके, ग्लैंड, वेरी स्मॉल ग्लैंड इज सिचुएटेड हियर, नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, मिड ब्रेन मतलब ये नहीं है कि ये बीच वाला हिस्सा हो, मिड ब्रेन काफ़ी छोटा सा पार्ट होता है। दिस इज द मिड ब्रेन। ओके, सेरिब्रम, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्रेन, सेरिब्रम। एंड दिस स्ट्रक्चर नोन एज पॉन्स। पॉन्स में छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, उनको कहते हैं पॉन्स। मेड्यूला, मेड्यूला, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज लिंक्ड विद द ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ मेड्यूला। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेड्यूला की हेल्प से ब्रेन से अटैच होती है। ओके बेटा, तो लेट्स स्टडी द ब्रेन। सो फॉर ब्रेन, इट इज द फॉर्मल पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ब्रेन का फॉर्मल पार्ट है और फ्रंटल पार्ट है। फ्रंटल मतलब आगे का हिस्सा है, और क्या है ये, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। ओके, फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। ओके, सेरिब्रम ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। कैसा पार्ट है हमारा, है थिंकिंग पार्ट है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब आगे की तरफ जो इसमें लोब होते हैं, कंट्रोल द मस्कुलर एक्टिविटी, रीजनिंग एंड प्लानिंग। जो हमारी रीजनिंग है, सोचने समझने की शक्ति है, तर्क शक्ति, उसको कंट्रोल करता है। मसल्स में जो एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है। प्लानिंग, प्लानिंग करता है किसी प्रोसेस पर कैसे एक्शन लेना है, किसी प्रोसेस पर कैसे काम होगा, उसकी जो प्लानिंग करता है वो भी हमारा क्या करता है, जो फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल लोब है हमारे फोर ब्रेन का, वो करता है। सेकेंड, पार्शियल लोब टू कंट्रोल द रिकॉग्नाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं जो आपके चिंतन होता है, सोचना समझना है, लाइक रीजनिंग। ओके, रीजनिंग होता है तर्क, किसी भी चीज़ पे आप जल्दी से सोच के कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस
एक हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी कैपेसिटी जिसकी हेल्प से हम डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं. ऑप्टिकल लोब रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन मीन्स देखना, जो हम देख सकते हैं वो हम ऑप्टिकल लोब की हेल्प से देख सकते हैं. टेम्पर लोब ऑडिटरी स्टिमुलाई मेमोरी स्पीच. ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? ऑडिटरी, ऑडिटरी मीन्स सुनना, ईयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पीच हम बोल सकते हैं, हम जो बोलते हैं सुनते हैं वो सब हमारे टेम्पोरल लोब की वजह से होता है. फिर से देख लीजिए, फॉरब्रेन. फॉरब्रेन का जो हमारे थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट में फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रम, और सेरिब्रम के हमने अभी तक कौन से पार्ट स्टडी किए हैं? फोर पार्ट्स, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑप्टिकल लोब एंड टेम्पोरल लोब. इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दे कॉल मी. सेकेंड वन इज ऑल्फैक्ट्री लोब. फर्स्ट हमने पढ़ा है क्या? सेरिब्रम लोब. सेकेंड ऑल्फैक्ट्री लोब इज द अनदर पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन. टेस्ट स्मेल, टेस्ट की और स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. हमें किसी भी चीज़ की जो स्मेल आती है और हमारे टंग को जो टेस्ट आता है वो ऑल्फैक्ट्री की वजह से. डायनेसिफेलॉन, टच पेन. हमें किसी का छूना महसूस होता है और हमें किसी बॉडी के पार्ट में कहीं पेन महसूस होता है उसे हम कहते हैं, वो हमारा काम करता है डायनेसिफेलॉन. अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है. सेकेंड मिड ब्रेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ऑप्टिक लोब सेरेब्रम लोब. ओके, मिड ब्रेन जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, ऑप्टिकल लोब में और सेरेब्रल लोब में. अच्छा, जो आपको ब्रेन की एक और मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, यहाँ आपको पता लग जाएगा हमारे फ्रंटल लोब लोब्स की सिचुएशन. ये हमारा अपर पार्ट था जिसमें हमने ब्रेन का स्टडी किया. इसमें हम क्या देखते हैं कि अभी जो हमने फ्रंटल लोब जो आगे वाला हमारा पार्ट है फ्रंट पर है ना, तो इसलिए फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब है ना, ये जो हमने अभी लोब स्टडी किए हैं. दीज आर फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सभी आपको देखना मिल रहे हैं यहाँ पर है ना. चारों जो हमने लोब अभी पढ़े हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है? हमारा फोरब्रेन का पार्ट है. व्हेन यू आर नोट डाउन द नोट्स यू मस्ट बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर विद द फ्रंटल लोब या और फॉरब्रेन. ओके, फॉरब्रेन के साथ में आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है. और जब हम सिंपली ब्रेन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा आप ये स्ट्रक्चर ये मेंटेन करेंगे. और जब हम बात करते हैं फॉरब्रेन की, उसके साथ में आपको ये बनाना है. ठीक है, ये आपकी सभी पर अप्लाई हो जाएगी. और जब आप स्पेशली फॉरब्रेन की बात कर रहे हैं, तब आपको इसको बनाना है. ठीक है, इसको आप ड्रॉ करेंगे. हाँ जी, मिड ब्रेन. मिड ब्रेन टू पार्ट्स में डिवाइड, ऑप्टिक लोब सेरिब्रम. सेरिब्रम नर्व टू कंट्रोल द विजन. ठीक है, सेरिब्रल नर्व जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ना, जो देखने के लिए हेल्प करती है, जिसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, तो ये क्या काम करता है हमारे पास? कंट्रोल करता है किस चीज़ को? विजुअलाइजेशन को, जिससे हम देख पाते हैं. नेक्स्ट हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन मतलब बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में डिवाइड है. इसमें कन्फ्यूज मत होना, आपको सेरिबेलम भी मिलेगा, सेरिब्रम भी मिलेगा है ना, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है. सेरिबेलम, सेरिबेलम कंट्रोल द बॉडी बैलेंस. बॉडी का जो बैलेंस है वो सेरिबेलम की वजह से होता है, वरना आप सही से चल नहीं पाएंगे, सही से सुन भी नहीं पाएंगे. जो बॉडी हमारी बैलेंस होती है वो सेरिबेलम की वजह से होती है. पॉन्स, पॉन्स ज्वाइन द टू हेमिस्फेयर. देखिए बेटा, अभी हेमिस्फेयर क्या होता है? पॉन्स, पॉन्स आपने कहाँ पढ़ा? ये रहे पॉन्स. पॉन्स बेटा, ये जो हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, ये हमने कैसा लिया है? हाफ पीस है ना, टू हेमिस्फेयर. अगर ब्रेन की बात करें, ऊपर से स्ट्रक्चर की हम ब्रेन की बात करें, यहाँ से इस जगह से, तो हम क्या कर सकते हैं? ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये टू पार्ट्स को हम बोलते हैं ये आपके हेमिस्फेयर्स ना, ये हेमिस्फेयर्स. तो क्या होगा कि दो पार्ट हैं ब्रेन के, और दोनों पार्ट में से आपने ये एक पार्ट नीचे है और एक ऊपर है, आपने ये दोनों पार्ट को जोड़ दिया, तो इन दोनों पार्ट को जोड़ने का काम जो करते हैं वो करते हैं पॉन्स. हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज द नेम ऑफ हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन को आप समझ लो कि ब्रेन को आपने ऐसे दो पार्ट में कट कर दिया. ठीक है, ब्रेन है आपके पास, और ब्रेन को अगर दो पार्ट में ऐसे कट कर दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो ब्रेन के टू पार्ट्स हो गए, हाफ इधर और हाफ इधर.
इनको जोड़ने का जो काम करता है वो करता है पोन्स। ओके, मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा, इट इज द स्टेम ऑफ ब्रेन, कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। और अभी आपको मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा के लिए मैंने डायग्राम के साथ ही समझाया था, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करता है ब्रेन से। ओके, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा टू लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बेटा इसके बारे में अब बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सिर्फ आपको इंट्रो के लिए यहाँ पर मैंने दिया है, ये आप समझ लीजिए इसमें हमें क्या करना है। नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको ये डायग्राम भी दे दिया जाएगा। ओके, इस डायग्राम को आपको मेंटेन करना, यू मस्ट बी ड्रॉ, मैं हिंदी यूज़ कर रही हूँ बेटा कि जिससे आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाए। ओके, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है पूरे आर्टिकल के साथ, लेकिन एक और डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो सिर्फ आप फॉरब्रेन के साथ ड्रॉ करेंगे। यू मस्ट बी ड्रॉ दिस डायग्राम विद द फॉरब्रेन एंड दिस डायग्राम फॉर इज रिलेटेड टू होल नोट, सभी के नाम आ गए ना इसमें। ओके, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, जैसे एनिमल्स में कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है बेटा जी, वैसे ही प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वो बड़ा इजी है, वो ह्यूमन की तरह से टफ नहीं है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो सिर्फ काम करता है अपने कुछ टिश्यूज से, जो टिश्यूज जाइलम फ्लोएम ये सब होते हैं। ओके, तो लेट्स सी, प्लांट्स हैव नॉट एनी नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाइक ह्यूमन्स। प्लांट्स के पास ह्यूमन की तरह कोई अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, दे हैव सिंपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, देयर इज नो नर्वस सिस्टम। ओके, बड़ा सिंपल कंट्रोल सिस्टम होता है इनका, बट हार्मोनल सिस्टम इज प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि इनमें हार्मोन्स नहीं होते। ओके, जैसे ह्यूमन में हार्मोन्स होते हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन इनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला कोई इनके पास प्रोसेस नहीं होता है। प्लांट्स हैव नॉट एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स तो होते हैं इनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स को एक्सक्रेट करने के लिए, सिक्रेट करने के लिए इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है। तो फिर हार्मोन कैसे सिक्रेट होते हैं, है ना। दे डू नॉट हैव शो लोकेशन बट शो द मूवमेंट। ये लोकोमोशन को तो शो नहीं करते। ओके, प्लांट्स डजेंट हैव लोकोमोशन बट दे हैव मूवमेंट। हाउ बेटा, डिफरेंस बिटवीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन में क्या है बेटा, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप यहाँ, आप अभी यहाँ थे और यहाँ से चलकर आप कहीं और पहुँच जाते हैं। प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते, प्लांट्स यहाँ पर है तो वो यहीं पर रहेगा, वो मूव करके यहाँ नहीं आ सकता है। ओके, तो इसे हम कहेंगे लोकोमोशन। बट प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, फूड प्रिपेयर करता है, तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट। वो प्लांट के मूवमेंट्स हैं, प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक भी मूवमेंट, मूवमेंट इन प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज रिलेटेड टू मूवमेंट। ओके, अगर हम बात करें प्लांट्स के मूवमेंट की, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। ओके, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ओके, यहाँ पर जो इज है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, इसको आप कट कर दीजिए, ओनली राइट द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ओके, एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ। मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, प्लांट्स की अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसके मूवमेंट के होते हैं। बेटा टाइप की हम बात करते हैं तो दे आर टू टाइप, ट्रॉपीज यानी डायरेक्शनल, नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल। ऐसे जो डायरेक्शन के थ्रू काम करते हैं, और एक वो जिनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ओके, मूवमेंट इन प्लांट्स दे आर टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, नॉन ग्रोथेबल एंड ग्रोथेबल। सिमिलरली
ऑन द बेसिस ऑफ डिरेक्शन, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल. ओके बेटा, सो आई विल टीच यू अबाउट द ट्रॉपिज्म एंड नेस्टिक मूवमेंट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, ऑल द बेस्ट.